मंडे के लिए, यानी कि 6 जनवरी 2020 के लिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट डेली चार्ट के ऊपर एक क्लियर कट अप ट्रेंड में था, लेकिन ये अप ट्रेंड का जो लाइन है ये कल के फ्राइडे के दिन यानी कि 3 तारीख के दिन यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। तो ये ब्रेक हो जाने के कारण एक जो सेंटिमेंट बना हुआ है वो सेंटिमेंट में मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है। अगर आप ऊपर के लेवल पे देखोगे तो मार्केट में एक बहुत बढ़िया ही कंसोलिडेशन का फेज बनाया था। ये कंसोलिडेशन का जो फेज है, ये कंसोलिडेशन के फेज में अभी भी मार्केट कंटिन्यू है, लेकिन यहाँ पे नीचे वाले लेवल पे, नीचे वाले पे जो 31,963 का लेवल बना है, ये 31,963 के लेवल को अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है और वहाँ पे सस्टेन करता है तो नीचे का आपका पहला टारगेट जो बनेगा वो पहला टारगेट, ये जो आपको यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर गैप दिखाई दे रहा है ये गैप का आपका पहला टारगेट बनेगा। मतलब आपका पहला टारगेट जो होगा वो 31,770 का होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन का फेज आपको यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये कंसोलिडेशन का जो फेज है यहाँ पे डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है तो एक ही दिन में आपको बहुत बढ़िया 400 पॉइंट का मूव यहाँ पे आपको मिल सकता है। अगर यहाँ पे मार्केट ब्रेक नहीं करता है और ये जो कंसोलिडेशन का लेवल बना हुआ है, ये कंसोलिडेशन के लेवल को ही अगर मार्केट होल्ड करता है तो फिर यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर जा सकता है। तो जब मंडे के दिन मार्केट खुलेगा तो मंडे के दिन के लिए आपको ये लेवल को ध्यान में रख के उस हिसाब से ट्रेडिंग करना पड़ेगा।